डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो आज हम एक कम्युनिटी पोज अपलोड करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि आपको 5 एपिसोड चाहिए कि 2 एपिसोड। वैसे तो 2 एपिसोड को ज़्यादा वोट आए, फिर भी हम कम्युनिटी वोट पूछेंगे। और अगर 2 एपिसोड अगर सबने 2 किया तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हम फाइटिंग सीन्स कैसे डाल सकते हैं। तो शायद से एक डोरेमोन की वीडियो अपलोड हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काकाशी सेंसे यहाँ पर सभी लोग को इकट्ठा जमा कर लेते हैं और काकाशी सेंसे कहते हैं हम अकात्सुकी को पकड़ने जा रहे हैं, तो ये एक जानलेवा खतरा हो सकता है और इसलिए हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा ताकि हम अकात्सुकी को, अगर समझो हम कभी हमें अकात्सुकी मिल गया यानी इताची मिल गया, तो हम एक दूसरे से बात कैसे कर पाए। इसलिए मैं एक प्लान बनाता हूँ जिसकी मदद से हम सेफ भी रहेंगे। और वो कहते हैं हमें अकात्सुकी को ढूंढने के लिए हमें एक ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जिसकी नाक और अच्छी सब एबिलिटी हो और वो सुन सके और बाकी सब, इसलिए मैं यहाँ पर एक तुम लोगों को रुकाया हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ। इसके बाद काकाशी सेंसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को साथ साथ एक एक डॉग दूंगा जिसकी मदद से तुम लोग एक एक डॉग की मदद से अकात्सुकी को ढूंढ सकते हो और अगर कुछ हुआ तो वो डॉग तुम लोगों को बचाएगा भी। काकाशी सेंसे यहाँ पर अपनी पूरी डॉग की टोली समन करते हैं और वो बोलते हैं कि 2 डॉग रहेगी सोकरा के साथ यानी एक रहेगा बिस्किस और एक रहेगा दूसरा, 2 डॉग रहेगी यानी शिनो के साथ और 2 डॉग रहेगी जो साई है उसके साथ। काकाशी सेंसे ऐसा कर करके पूरी डॉग की जो टीम है उसके साथ अलग अलग करके डॉग दे रहे होते हैं। वो कहते हैं 1 डॉग रहेगा मेरे साथ क्योंकि पाकुन मेरे साथ ही रहने वाला है और वो बोलते हैं जो सबसे बड़ा डॉग है वो रहेगा नरूटो के साथ और नरूटो के साथ कैप्टन यमाटो और हिनाता भी रहेगी क्योंकि नरूटो एक जुनचरी की होस्ट है, इसलिए नरूटो के साथ कैप्टन यमाटो, हिनाता और बाकी सब रहने वाले हैं। और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि जल्दी चले जाओ यहाँ से सभी, और सभी लोग ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि सास्के कहाँ पर है यानी सास्के और जो इताची है वो कहीं पर भी मिले, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। करीन यहाँ पर जा रही होती है सास्के के साथ और उतने में ही यहाँ पर जो हमारा देखने मिलता है जो दाइधर रहता है वो अपने बर्ड को बड़ा कर देता है और वो बोलते हैं कि चलो अब हमें जल्द से जल्द ढूंढना है सास्के को। यहाँ पर जो दाइधर रहता है वो टोबी को साथ बैठ जाता है अपनी चील पर और सास्के को ढूंढने लग जाता है कि आखिर सास्के कहाँ पर है क्योंकि जो दाइधर है उसको बदला लेना है सास्के से। यहाँ पर सुइटू जो होते हैं वो एक घर में जाते हैं क्योंकि उन लोगों को अकात्सुकी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अकात्सुकी की इन्फॉर्मेशन इस आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से है। तभी यहाँ पर वो अपनी सिगरेट पी रहा होता है और तभी वहाँ पर सुइगेत्सु आता है और सुइगेत्सु उस इंसान को कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जितनी हो सकते हैं उतनी अकात्सुकी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खास करके किसामे, इताची और ऐसे सब लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो डर के मारे सब कुछ बताना शुरू कर देता है और वो बोलता है मेरे पास इतना नहीं मालूम, मेरे को थोड़ा बहुत ही मालूम है। यहाँ पर जो जूगो रहता है वो अपनी चिड़ियाओं को हर जगह फैला देता है ताकि उसे पता चले और क्या है वो सब, उसकी चिड़िया बात करके चीगो को बताती है। चीगो के पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो जानवरों से बात कर सकता है। यहाँ पर कीबा अकमारू पर बैठ कर आ रहा होता है और शीनो अपने 2 डॉग्स के साथ वो सभी डॉग्स मिलकर जो अकात्सुकी है अकात्सुकी और सास्के सबको ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो काकाशी सेंसे है वो बोलते हैं कि पाकुन तुम्हें सबसे ज़्यादा अलर्ट लेना है, अगर कुछ भी होए तो सबसे पहला बता देना। तो पाकुन कहता है हाँ। और तभी यहाँ पर हिनाता अपनी बियाकोगन की मदद से देखने की करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वो लोग सभी लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो सोकरा की बिस्किस रहती है वो सोकरा को बोलती है कि मैंने सास्के की सेंट सूंघी हो, तो सोकरा बोलती है क्या तुम सही कह रही हो, ये बिल्कुल सही है कि नहीं। तो वो बिस्किस कहती है कि हाँ मैंने सास्के की सेंट सूंघी हो और वो आगे से ही आ रही है, सास्के आगे कहीं ना कहीं पर है। यहाँ पर जो बिस्किस रहती है वो ज़मीन पर सूंघ रही होती है कि आखिर सास्के की सेंट कहाँ पर है और वो आगे की तरफ जा रही होती है। तो दूसरा डॉग कहता है कि हाँ सास्के की सेंट यहाँ से आ रही है। सोकरा बोलती है और कहाँ पर है, वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बिस्किस कहती है कि उसकी सेंट बढ़ती ही जा रही है। वो लोग आगे जा रहे होते हैं और जो सास्के की सेंट रहती है वो बढ़ती जा रही होती है और तभी सोकरा करीन के बाजू में से गुजरते हुए निकल जाती है और फिर जो सेंट रहती है
है वो भी स्किस कहती है कि ये कम होते जा रही है, वो सैंड और कम हो रही है, जिससे वो सैंड कहीं पर चले गए। यानी जो सास्के का टीम मेंबर है वो यहाँ पर था और उसकी यानी सास्के की सैंड उसके पार्टनर में आ गई थी। और बिस्किस ऐसा कहता है, यहाँ पर जो करीन रहती है वो आगे जाती है और उसे ऐसा रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ तो अम्मी मुझसे गुजरा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल चाकरा का था। यहाँ पर देदर अपने स्कोप से ढूंढ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जो सास्के है वो कहाँ पर है। टोबी बोलता है इतनी रश में तुम्हें सास्के कभी नहीं मिलने वाला, और उतने में ही देदरा कहता है वो मुझे मिल गया। और तभी टोबी कहता है कि कौन मिला, तो देदरा बोलता है देखते जाओ। और फिर वो आगे जा रहा होता है, यहाँ पर नरूटो आगे जा रहा होता है और तभी यहाँ पर सास्के भी आगे जा रहा होता है और नरूटो का कोई पीछा कर रहा होता है। नरूटो बोलता है तुम कौन हो, सामने आओ, सामने आ जाओ, तुम कौन हो। और जो सास्के रहता है उसका भी कोई पीछा कर रहा होता है। सास्के कहता है बाहर आ जाओ, तुम कोई भी हो, मुझे पता है तुम हमारे पीछे हो। यहाँ पर जो कैप्टन यमाटो और बाकी सब है वो अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका पीछा कोई कर रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो रहता है काबुटो। काबुटो कहता है तो नरूटो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सास्के यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो देखता है कि सामने से टोबी आ रहा है यानी अकात्सुकी। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो ये महसूस करता है कि और एक अकात्सुकी यहाँ पर है और देदरा ऊपर से उड़ते हुए अपने हाथ से बॉम्ब को छोड़ता है और सास्के पर हमला करता है। यहाँ पर नरूटो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो जो काबुटो रहता है वो बोलता है कि ये लो ये बुक तुम्हारे काम आएगी नरूटो, इसमें अकात्सुकी और गुंडे और बाकी सब जो क्रिमिनल से उसकी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत काम आएगी। तो नरूटो कहता है तुम ये सब इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रहे हो, आखिर हमने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है। तो काबुटो कहता है तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना नाम खो दिया था, मैं गुमनाम हो गया था। तो इतने में कैप्टन यमाटो और नरूटो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो काबुटो कहता है जब सासुरी ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था और ओरोचिमारु के लिए भेजा था अपने स्पाई के लिए, तो मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ओरोचिमारु ने अपने जुत्सु की मदद से मुझे आज़ाद कर दिया और मैं उनका शागिर्द बन गया। और उसके बाद ओरोचिमारु फिर से मर चुके और उसके बाद मैं गुमनाम हो गया था। और फिर मुझे तुम्हारी बात याद आई कि हर इंसान अपनी खुद की लाइफ खुद जीत सकता है और सबके अंदर एक हिम्मत है, और ये सब सोचकर मुझे मेरी राह मिली, मेरी मंजिल मिली और उसके बाद मुझे मेरी पहचान मिली। काबुटो नरूटो का कहता है कि तुम्हारी वजह से, तुमने ये जो मुझे सब कहते थे हर बार कि सास्के ये है वो है वो है, उसकी वजह से मुझे मेरी पहचान रहा और सब कुछ मिल गया, तो ऐसा क्या हुआ है काबुटो के साथ। तो कहता है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें पहचान मिली। और काबुटो कहता है ये देखो अब ओरोचिमारु मेरे अंदर ही समाते हैं। और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो अपनी मुंडी नरूटो की तरफ करता है और काबुटो की एक आंख ओरोचिमारु जैसी रहती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नरूटो कहता है ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो काबुटो कहता है ओरोचिमारु के मरने के बाद उसके जितने भी पार्ट्स पड़े थे उसको मैंने उठाया और उसको मैंने अपने अंदर लेने की कोशिश करी, यानी मैंने उसको अपने बदन से जोड़ने की कोशिश करी अपना पार्ट को काट कर। और वो बोलता है कि ऐसा कर कर मैं ओरोचिमारु को अंदर ही जीने की राह दूंगा। तो इतने में ही वो बोलता है कि मेरा आधे से ज़्यादा बदन अब ओरोचिमारु जैसा हो चुका है। और काबुटो यहाँ पर अपना हाथ भी दिखाता है जो स्नेक स्किन हो जाता है। तभी यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो अपनी बियाकुगन से चेक करती है और वो देखती है कि हाँ आधा चाकरा कोई और का है, यानी आधा चाकरा काबुटो का है और आधा चाकरा ओरोचिमारु का है। नरूटो ये देखता है और वो भागते हुए जाता है काबुटो से लड़ने के लिए, पर काबुटो ओरोचिमारु से यहाँ पर नरूटो से लड़ता है और वो नरूटो को कहता है कि अब नहीं नरूटो, कोई और दिन, मैं कोई और दिन तुमसे लड़ूंगा जब मेरी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बोलकर जो काबुटो रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर जो सास्के है उसके ऊपर देदर ने हमला कर चुका है और यहाँ पर वो अपने बम से हमला कर दिया है सास्के के ऊपर, पर सास्के को हुआ क्या है ये देखने के लिए हम सब उत्सुक है। यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अपने स्नेक की मदद से बच जाता है जबकि पास उसके ओरोचिमारु की पावर है, इसलिए उसने एक स्नेक को समन कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। देदरा कहता है तो ओरोचिमारु की तरह ये भी अपने आप को स्नेक से प्रोटेक्ट कर सकता है। और सास्के यहाँ पर देदरा को देख रहा होता है और वो बस शांति से देख रहा होता है। देदरा बोलता है अब इसकी शामत आई है, अब हम बताते हैं कि अकात्सुकी की पावर कितनी है। और देदरा सास्के को देख रहा होता है और सास्के देदरा को अपनी शरिंगन से देखता है।